आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले दिनों हम लोग जिस वैश्विक महामारी से, पिछले साल से गुजर रहे हैं, जिस दौर से, मैं ये नहीं कह सकती कि खत्म हो चुका है। हाँ, जो पिछले महीने हम लोग सुन रहे थे उससे थोड़ा कम हुआ है। हम लोग बहुत चीजों में, हम लोगों ने क्षति क्षति पहुंची है, खासकर आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक परेशानियों से हम लोग गुजरे हैं जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। हमने अपने बहुत अपनों को खोया है, आसपास के लोगों को खोया है, बहुत अपनों ने अपने सपनों को खोया है। उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो ये पैंडेमिक, जो ये सर्वव्यापी महामारी है, इससे हम सुरक्षित कैसे रहें, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, अपने संस्थान को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ भोजपुर यूनिट ने एक वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार का टॉपिक है COVID-19 और ब्लैक फंगस, उससे उत्पन्न होने वाली अनेक परेशानियों को ध्यान में रखकर हमने इस हमने इस वेबिनार को वेबिनार को आयोजित आयोजित किया किया। है। इस इस वेबिनार वेबिनार में में हमारे हमारे भोजपुर भोजपुर यूनिट के यूनिट के अध्यक्ष, अध्यक्ष सह सह चर्चित चर्चित नेत्र नेत्र सर्जन सर्जन डॉक्टर डॉक्टर एस के एसके रूंगा रूंगा उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। हम हम सभी सभी आज आज उनसे उनसे जानेंगे कि जानेंगे कि कोविड कोविड और और उसके उसके दुष्परिणामों दुष्परिणामों से से कैसे हम कैसे हम बचें बचे और हमें और हमें क्या-क्या क्या क्या सावधानियां सावधानियां बरतनी बरतनी चाहिए। चाहिए। इस वेबिनार में इस वेबिनार में प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर सत्र भी सत्र भी होगा। होगा। डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब जब जब बोल बोल लेंगे लेंगे तब तब आपके आपके मन मन में में जो भी कोविड जो भी या कोविड ब्लैक या फंगस ब्लैक फंगस या व्हाइट या व्हाइट फंगस फंगस या येलो या येलो फंगस, जो भी फंगस बहुत जो भी सारी बहुत सारी परेशानियां हैं परेशानियां हैं कोविड और कोविड कोविड और से कोविड से संबंधित, संबंधित आप सर से पूछ सकते हैं, आप हम अपने उनकी स्पीकर उलझनों का को कैमरा समाप्त कर कंट्रोल कर सकते सकते हैं। हैं। आप कर मैं अब सकते ज्यादा हैं। नहीं मैं अब बोलते ज्यादा हुए, नहीं समय बोलते का हुए सदुपयोग क्षमा करते दीजिए। हुए क्षमा दीजिए। चाहूंगी चाहूंगी कि चाहूंगी कि डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब तक तक जाऊं, जाऊं और और इसमें इसमें बहुत बहुत खुशी की खुशी की बात यह बात भी यह है भी कि है कि डॉक्टर डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं जाने डॉक्टर माने जाने नेत्र वाले सर्जन इंसान हैं, हैं हमारे हमारे YHAI YHAI के के अध्यक्ष अध्यक्ष हैं, हैं और और साथ साथ में में एक और एक और बहुत बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ मेंबर मेंबर हम हम लोगों के, लोगों के डॉक्टर डॉक्टर दीपक जी दीपक भी जी जुड़े भी हुए जुड़े हुए हैं, हैं डॉक्टर डॉक्टर राजेश राजेश जी जी जुड़े जुड़े हुए हुए हैं, हैं। तो सर सर के के साथ 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 हम हम लोग लोग उनसे सुनते भी ही उनका उनका मत मत लेना लेना चाहेंगे। चाहेंगे। हम हम लोगों लोगों के के सौभाग्य सौभाग्य की की बात बात थी थी कि कि तीन 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 डॉक्टर डॉक्टर हम हम लोगों लोगों के के साथ साथ हैं। हैं। अभी अभी मैं मैं डॉक्टर डॉक्टर एस एस के के रूंगटा रूंगटा सर सर के के पास पास जाना जाना चाहेंगी चाहेंगी और और चाहूंगी चाहूंगी कि कि जो जो उलझने उलझने हैं, हैं, जो जो परेशानियां परेशानियां हैं, हैं, इससे इससे आने आने वाले वाले दिनों दिनों में में हम हम कैसे कैसे बचें, बचें, सर इस सर पर इस पर प्रकाश प्रकाश डालें। डालें। डॉक्टर एस के डॉक्टर रूंगटा सर, एस के रूंगटा सर, और अर्चना जी फिर रिक्वेस्ट कीजिए कि सब लोग अपना साउंड म्यूट कर लें। और जब और सर जब सर बोलेंगे, बोलेंगे सबका सबका मेरा मेरा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, है, अनुरोध है अनुरोध कि है कि आप लोग आप अपनी अपनी माइक को माइक म्यूट म्यूट जरूर जरूर करेंगे, नहीं करेंगे, तो नहीं सर तो की सर की आवाज हम आवाज तक हम नहीं तक पहुंच नहीं पहुंच पाएगी। पाएगी। हम लोग हम लोग जिसके जिसके लिए लिए इकट्ठा इकट्ठा हुए हुए हैं, हैं, जिस जिस अवेयरनेस अवेयरनेस के के लिए लिए इकट्ठा इकट्ठा हुए हुए हैं, हैं, जिस जिस जागरूकता जागरूकता के के लिए लिए हम हम इकट्ठा इकट्ठा हुए हुए हैं, हैं, उसका हम लोग सदुपयोग उसका नहीं हम कर लोग पाएंगे सदुपयोग समय नहीं का। कर तो पाएंगे सबसे समय पहले का। हम तो सभी सबसे अपनी पहले माइक हम को सभी म्यूट अपनी करें। माइक को म्यूट बहुत करें। बहुत धन्यवाद। बना सर, सर तक म्यूट आवाज जा कर रही है? सकते हैं। हाँ जी, जी सर, अगर एडमिन कोई एक्सपर्ट आदमी है जी तो सर, आवाज जी आ रही सर, है मेरी? एम जी सर, आ रही आई है। ऑडिबल? आवाज सुनाई पड़ रही है? यस हाँ सर, जी सर, हाँ तो अभी और एडमिन अगर कोई है तो मौसम उसको गड़बड़ होने के कारण जो है फ्रीक्वेंसी कमजोर हो जा रहा है। नहीं, आवाज कोई डॉक्टर बात साहब की नहीं आ है। रही है। डॉक्टर साहब बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, हाँ खाली माइक म्यूट कर हाँ लीजिए, बाकी बाकी लोग को लोग आ रही माइक, है, आ रही है। आप एडमिन भी म्यूट कर सकते हैं बाकी लोग हाँ जी जी सर, को। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। जी आज यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये भोजपुर इकाई की तरफ से ये जो आयोजन हुआ है, इसका एकमात्र पर्पस आवाज आ रही है, बोला आवाज जाए, आवाज आ रही है, बोला जाए। तो पहले क्या था, सबसे पॉपुलर अपने यहाँ बैक्टीरिया था। उसके बाद ये कोविड जब से आया तो वायरस सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब कोई ऐसा भारतीय नागरिक नहीं होगा जो वायरस वर्ड से परिचित नहीं होगा, लेकिन अभी कुछ दिनों में ये एक नया वर्ड आपके लिए आ गया, फंगस। ये बहुत लोगों का म्यूट नहीं है, तक बाकी लोगों का म्यूट नहीं होगा आप नहीं सुन पाएंगे।
हेलो विजय अंकल अपना म्यूट कीजिए, साउंड साउंड म्यूट कीजिए। तो हम लोग कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, तो वायरस और बैक्टीरिया से हम लोग पूर्व परिचित हैं और फंगस से बहुत से लोग परिचित होंगे, और लेकिन हो सकता है कुछ लोग परिचित नहीं हो। मैं आपको एक छोटा सा परिचय फंगस का देता हूँ। जैसे बहुत बार आपने देखी होगी, देखा होगा कि पाव रोटी घर में पड़ी रह जाती है दो तीन दिन के लिए, चाहे वो फ्रिज से बाहर पड़ी रह जाती है, या इवन रोटी भी, या अचार के बुयान में आप देखे होंगे कि जिसको हम लोग घोड़ी कहते हैं, तो वही एक्चुअली फंगस है। जो पाव रोटी पर, दो तीन दिन पुरानी पाव रोटी पर जो जम जाता है हरा हरा या काला सा या उजला सा धागा जैसा, वो एक्चुअली वही फंगस है। तो फंगस का ऐसा है कि पहले हम लोग बैक्टीरिया से जनित बीमारियों को जानते थे, वायरस से जनित बीमारियों को अभी कोविड के समय में काफी अच्छी तरह से जान गए, और इसी तरह फंगस का भी प्रकोप अभी हम लोगों के यहाँ कभी भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि गोबर छत्ता या मशरूम जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का फंगस है। उसमें भी दो वेराइटी होती है, एक पॉइजनस होता है, इसलिए अगर मशरूम कहीं मिले और उसको लेके अगर हम लोग सब्जी बना लें और खा लेंगे तो पॉइजनस हो जाएगा। वो भी दो तरह का होता है, तो ये भी एक तरह का फंगस ही है लेकिन बड़े रूप में है। तो इसमें आपने कई बार सुना कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, तो मेडिकल साइंस में ऐसा निर्देश है कि कलर के हिसाब से हम लोगों को फंगस को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये व्हाइट फंगस की बीमारी है, ये येलो फंगस की बीमारी है, ये ब्लैक फंगस की बीमारी है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को बजाते फंगस पहचानना है और माइक्रोस्कोप के नीचे उसमें फंगस का जो माइसिलिया होता है उसको पहचानना है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। ये ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस क्यों है, ये ग्रो करता है जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा। सर आपकी साउंड म्यूट हो गई है, आपकी साउंड म्यूट हो गई है सर। हेलो, यस, अब ठीक है? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आवाज बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ तक तो आप सुन लिए कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस क्या होता है, और ये उसमें पिगमेंट जैसा जनरेट करता है फंगस, उसी हिसाब से उसका कलर बोल देते हैं। लेकिन हालांकि कलर के हिसाब से बीमारी का डायग्नोसिस नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को भी फंगस हो, वो किस तरह का लीजन कर रहा है शरीर में, उसके हिसाब से करना है। और यूजुअली जो ब्लैक फंगस है, ये म्यूकर है, म्यूकर नाम का एक फंगस है, जो कि कोई नया फंगस नहीं है, ये नया ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये है बहुत ही। आपकी मैट्रिक के टेंथ की भी किताबों में म्यूकर के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए म्यूकर फंगस जो है वो काफी दूर से है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये इसका प्रकोप नहीं होता था। अभी कुछ ऐसा माहौल इसको मिल गया है कि ये ह्यूमन बीइंग में ग्रो कर रहा है, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मास्क लगा रहे हैं आप, मास्क लगा रहे हैं, कपड़े का मास्क लगा रहे हैं, मैंने देखा है कि दो दो चार चार दिन, पांच पांच दिन, छह छह दिन बिना धोए मास्क लगाए हुए, उसमें क्या हुआ कि आपका मॉइस्चर मिल रहा है उसको और गर्म भी मिल रहा है और उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। अब उसमें कौन सा फंगस ग्रो करेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन कोई भी फंगस कर जाएगा और वो आपको धीरे धीरे नाक में चला जाएगा, साइनस में चला जाएगा उसके बगल में, और उसके आगे फिर आँख में चला जाएगा और ब्रेन में चला जाएगा। तो इसी कारण से ज्यादातर ऐसा हो रहा है। एक तो मास्क है, दूसरा अगर हम लोग
मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो मिट्टी में बहुत सा फंगस रहता है, और अगर उसके बाद हम लोग हाथ नहीं धोए तो वो भी स्प्रेड कर सकता है। या जैसे मान लीजिए कि बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन चढ़ रहा है आपको, तो ऑक्सीजन की पाइप में भी ये फंगस ग्रो कर जाता है, क्योंकि वहां भी इसको उसके फेवर का माहौल मिल जाता है। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन है कि ऑक्सीजन का पाइप बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए। हॉस्पिटल्स में तो चेंज होता ही है, और जहां नहीं भी हो रहा था अब चेंज होने लगा है, लेकिन घरों में खास करके अगर लंबे समय तक आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वही पाइप बहुत दिन तक यूज हो रही है तो उसमें भी फंगस ग्रो कर जाता है। इसके अलावा आपको जैसे बाकी जो इस बात पर हम आएंगे कि डायबिटीज शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाने से भी फंगस का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, और स्टेरॉयड का भी यूज, इस सब पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि आईसीयू में बहुत बार आप देखे होंगे कि आईसीयू में एंट्री जो है इतनी आसान नहीं होती, और जाना भी नहीं चाहिए सब लोगों को। क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए ऐसा किया जाता है कि अब मास्क तो अभी हम लोग सब लोग लगा रहे हैं ना, लेकिन आईसीयू में एंट्री के समय सब दिन मास्क के बिना लोग इंटर नहीं करने देते थे अटेंडेंट को, इसलिए उसमें और इन्फेक्शन नहीं हो, चप्पल नहीं पहन के जाना है, मास्क पहन के नहीं जाना है, और कॉमन एंट्री नहीं करना है। मतलब ये नहीं है कि आईसीयू में भीड़ लगा देना है, उससे इन्फेक्शन का चांस बना रहता था इसीलिए। और आजकल तो पूरे हॉस्पिटल में ही इस तरह का माहौल कर दिया गया है कि लोग फ्री एंट्री नहीं रहे। और मैं समझता हूँ कि अगर इसके बारे में जैसे प्रिवेंशन का है ऐसा कि हम लोगों को बचना चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीज आपको करना चाहिए कि ये नहीं हो। एक तो अगर बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन चल रही है किसी को घर पे, खास करके हॉस्पिटल में तो जो केयर लेना है वो ले ही रहे, तो उसमें ऑक्सीजन की पाइप हमेशा बदलते रहने चाहिए। शुगर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। शुगर अगर बढ़ेगा, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, तो वो बढ़ेगा तो फंगस ग्रो ज़्यादा करेगा। मिट्टी से कंटामिनेशन, अगर आप मिट्टी छू रहे हैं, पौधे का काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हाथ जरूर धो लेना है। और बहुत बार होता है कि आप मिट्टी छुए फिर नाक में उंगली लगा दिए, मुंह में उंगली लगा दिए, तो फंगस ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस पॉट में आप स्टीम ले रहे हैं, भाप ले रहे हैं, उसमें पानी लोग छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें भी फंगस ग्रो कर सकता है। इसलिए पानी बराबर बदलते रहना चाहिए, उसका सफाई रखनी चाहिए। आपको जैसे पिछली बार भी हम लोग का एक वेबिनार हुआ था, मैंने बताया था कि हम लोग कला में ये बद्दी कहते हैं ना आपको, जैसे इस टाइप की बांधने वाला होता है, इसको लोग बहुत दिन बांध के कलाई में छोड़ देते हैं, तो ये बहुत दिन तक बांध नहीं रखना है। जैसे आज पूजा हुई, आपके घर में हवन हुआ, तो वो आप बांधते हैं तो, लेकिन दूसरे दिन उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये हमेशा भींगेगा, सूखेगा, मतलब मॉइस्ट रहेगा, इसमें फंगस ग्रो कर जाएगा। इसी तरह मोबाइल में भी कहा जाता है कि मोबाइल में भी कवर अभी के समय में नहीं लगाइए आप, क्योंकि मोबाइल का कवर हम अगर लगा हुआ है तो आप उसको पीछे से साफ नहीं कर पाते हैं, उसमें भी फंगस ग्रो करने का चांस रहता है। अभी आप टेलीफोन की रिंग आप सुनते होंगे, कहीं भी टेलीफोन करते होंगे, तो उसमें तीन बातें खास करके बताई जा रही है कि जैसे मास्क जरूर लगाना है, हैंड वॉश करना है, और डिस्टेंस मेंटेन करना है। और मैं हमेशा ये निवेदन करूंगा कि इन तीन बातों को अभी पूरे साल भर 2021 और 2022 में इसको हमेशा पालन करते रहेंगे इन तीन बातों का, ताकि ज्यादा स्तर इस वायरस से और फंगस से आपको ये तीन बातें जरूर बताइए। और जैसे इसके बारे में मैं यही चाहूंगा कि अब अगर केवल मैं एक्सटेम्पोर बोलता रहूंगा तो शायद उतना फायदा नहीं हो आपको। मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी चाहे एक एक करके आप या तो हैंड रेस करेंगे तो अर्चना मैडम बोलेंगे, फिर आप अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न रखिए, और वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उस प्रश्न का मैं जवाब दूँ, तो उस तरह से समाधान होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्चना मैडम। हाँ जी, जी सर। हाँ, जैसा कि सर का निर्देश मिला है, जो भी अंदर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो अपना हाथ उठाएं और सर से कर सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, एक एक करके अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो जी, गौतम जी कुछ बोलना चाहे। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर, हमने पिछले दिनों में देखा है कि जैसे वायरस में म्यूटेशन होता था, वैसे सर ब्लैक फंगस में भी म्यूटेशन की संभावना है क्या?
नहीं, ये वायरस का स्पेशल करेक्टर है कि वो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि वो अपना रूप बदल लेता है जी। तो वो वायरस में स्पेशल करेक्टर है, ये फंगस में नहीं है जी सर। थैंक यू। अश्मिता मैम आप अपना अनम्यूट ही रखिए। अश्मिता आर्यन अश्मिता अनम्यूट करो। गुड इवनिंग मैम। सर सर से क्वेश्चन करना है जी, बोला जाए। Good evening, sir. Sir, I have a question that steroid life-saving for the patients undergoing COVID treatment. But as we all know that the third wave will affect mostly children. So it is safe to give them steroid at such a tender age. And if not, what should any other life-saving factor could be given to them? ये ऐसा है कि एक तो हमें ये जरूर जानना चाहिए कि कोविड के समय स्टेरॉयड कब देना चाहिए, इस पर मैं आ रहा हूँ। इसके अलावा स्टेरॉयड एक ऐसी दवा है जो लाइफ सेविंग ड्रग है, इसको हम लोग काफ़ी दिनों से 20 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी कभी कभी यूज होता है। लेकिन अभी के समय में तो माहौल ऐसा मिल जाता है, एक तो ह्यूमिडिटी, दूसरा गर्मी का माहौल, और डायबिटिक अगर है मतलब शुगर लेवल पहले से बढ़ा हुआ है तो वो, और अगर इम्यूनिटी लो है या पहले भी वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो इम्यूनिटी लो है, तो ये सारे फैक्टर एड ऑन हो जाने के कारण उसमें फंगस ग्रो कर जा रहा है ऐसे। लेकिन बच्चों में भी स्टेरॉयड दिया जाता है कुछ बीमारियों में, लेकिन उसमें जुडिशियस यूज होना चाहिए। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना में जैसे फर्स्ट डे अगर हमको फीवर आई है तो फर्स्ट 5 डेज 6 डेज कभी भी स्टेरॉयड नहीं देना, ये इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। लेकिन होता क्या है कि गांव के हाथ में बिना या आधी जानकारी के कारण लोग स्टेरॉयड शुरू से दे देते हैं। तो शुरू में केवल आपको पैरासिटामोल देना है, पानी अच्छे से पीना है और एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत कम करना है और रेस्ट करना है शुरू में 5 से 7 दिन तक। और उसके बाद अगर उसके बाद भी हर केस में स्टेरॉयड नहीं देना है, उसके बाद भी स्टेरॉयड तभी देना है कोविड के केस में जब आपका टेम्परेचर मेंटेन है, मैंने टेम्परेचर ज्यादा रह रहा है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है जिसको SpO2 कहते हैं, और साइन सिम्टम उसमें परसिस्ट कर रहा है, मतलब जो उसका पेन है उसका परसिस्ट कर रहा है और सीटी स्कैन में भी फाइंडिंग है, तभी उसको स्टेरॉयड शुरू करना है। और वो भी स्टेरॉयड वॉचफुल रहते जुडिशियस यूज उसको हम लोग करते हैं, वॉचफुल रहना है। और इंफ्लेमेटरी मार्कर उस समय कुछ जांच होते रहते हैं जैसे कि CBC, CRP, IL-6 मार्कर से उसकी जांच होते रहनी चाहिए ताकि उसका कैसा प्रभाव है। अगर वो सब नॉर्मल है तो हम लोग स्टेरॉयड नहीं भी दे सकते, स्टेरॉयड का जुडिशियस यूज होना चाहिए। स्टेरॉयड अगर नहीं देना चाहते उसके बदले भी दवाएं हैं, जैसे अभी के समय में पाइरोक्सिकेम एक दवा है वो भी काफी यूज हुई है कोरोना में, लेकिन ये सब स्पेशलिस्ट को ही यूज करना चाहिए। और ये घर में देने के लिए स्टेरॉयड नहीं है, ये नहीं है कि हम पेशेंट को घर में रखें और स्टेरॉयड दे दें, ऐसा नहीं करना। ऐसा है कि स्टेरॉयड की इस बार बहुत बदनामी हुई है, फर्स्ट वेव जब आया था कोरोना का उसमें स्टेरॉयड की जरूरत उतनी नहीं पड़ी। फर्स्ट वेव में कोरोना वायरस भी जो है कुछ रूल फॉलो कर रहा था, वो 5 डेज तक वैसे, उसके बाद थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन का डर रहता था लेकिन 13-14 दिन के बाद यूजुअली खत्म हो जाता था। गवर्नमेंट भी कहती थी कि 14 दिन के बाद आपको जाँच कराने की जरूरत नहीं है और आप जो है या जाँच कराए हैं निगेटिव है तो आप कोरोना फ्री हो। लेकिन इस बार कोरोना वायरस जो है कोई नियम फॉलो नहीं कर रहा है और विचित्र रूप से प्रेजेंट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन काफी हो रहा है। हेलो श्री माता दी अग्रवाल जी, इम्यूनिटी लेवल
हेलो माता दीन अग्रवाल जी, मेरा प्रश्न ये था कि ब्लैक फंगस के क्या लक्षण है और इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, पहला तो ये कि ब्लैक फंगस जो होता है वो म्यूकर एक तरह का फंगस होता है, वो म्यूकर आदमी पहले नहीं खा जाता था, लेकिन अभी ऐसा हुआ है, ये सब जो मैंने पूर्व में बात बताई उसके कारण अगर ऐसा होता है तो आपको सर्वप्रथम नाक के पास कुछ ब्लैक स्पॉट मिल सकते हैं, नाक में अंदर की तरफ कुछ क्रस्टिंग, ब्लैक क्रस्टिंग, ब्लैक डिपॉजिट मिल सकता है, कभी कभी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद बगल के बगल में दोनों तरफ साइनस है वहाँ थोड़ा सा सूनापन रह सकता है, वहाँ थोड़ी सूजन हो सकती है, यहाँ तक ये नाक है साइनस तक पहुँचा है, और अगर ये आँख में पहुँच गया तो आँख में सूजन होगी, आईलिड में सूजन होगी, आँख थोड़ी बाहर निकली हुई मालूम पड़ेगी, आँख थोड़ी लाल हो सकती है, इतने तक में भी इलाज हो सकता है हो जाए, लेकिन इसके बाद इलाज थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर आँख में चारों तरफ फैल गई है तो फिर आँख बचाना मुश्किल हो जा रहा है, और उसके बाद बगल में ब्रेन है उसमें भी पहुंच जा रहा है, तो स्टार्टिंग में नाक के पास ब्लैक स्पॉट्स मिल सकते हैं, नाक के अंदर ब्लैक रंग का क्रस्ट डिपॉजिट हो सकता है, हल्की ब्लीडिंग कभी कभी हो सकती है, सूजन हो सकता है, और अगर उसके बाद साइनस में पहुंचा तो नाक के बगल में दोनों तरफ या एक तरफ, शुरू में एक ही तरफ होगा, वो सूजन हो सकती है, नंबनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, उसके बाद आँख में सूजन हो सकती है, आईलिड में आँख लाल हो सकती है, और आँख थोड़ी बहुत बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुई भी दिखाई देती है, जिसको हम लोग प्रोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन माता दी जी, मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस के नाम से बहुत ज्यादा हम लोग को डरना नहीं है, ये इतना कॉमन नहीं है। मेरे आज के वेबिनार का मेन पर्पस यही है कि आपको इतना डरना नहीं है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल जितने पेशेंट्स आ रहे थे वो उसमें से आधे लोग यही पूछ रहे थे कि हमको ब्लैक फंगस नहीं ना हो गया है, कोई लक्षण नहीं था उसको, लेकिन डर इतना समा गया है, इतना नहीं है होता। अगर ये पांच बात आप ध्यान रखें, जैसे मास्क के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी आपको, मास्क अगर कपड़े का मास्क आप लगाते हैं जो कि आइडियल नहीं है, तो उसको बीच बीच में धुलवाते रहें, धूप में सुखाते रहें। अगर सर्जिकल मास्क लगाते हैं तो वो 4-5 घंटे के लिए होता है, उसके बाद उसको अगर N95 मास्क आप लगाते हैं तो आप दिन भर यूज कर सकते हैं, उसके बाद बढ़िया यही है कि उसको डिस्पोज कर दीजिए, हर रोज नया मास्क ले रहे। अगर आप नहीं डिस्पोज कर सकते हो तो अल्ट्रावायलेट में या तो लाइट कीजिए या धूप में रख दीजिए एक दिन, या कागज के पुड़िया में उसको सुखा दीजिए, उसके बाद 5-6 दिन के बाद उसको यूज कीजिए, इस तरह से करना होगा ताकि अगला क्वेश्चन है मेरे का कि मेरे को शुगर है, 16 साल से मेरे को शुगर है, ठीक है, थोड़ा बढ़ा ही रहता है, लेकिन इधर कोविड मेरे को जब हुआ ना तो उसके बाद से मेरा शुगर लेवल अजीब ढंग का हो गया। जैसे पहले एक हफ्ते पहले कराया तो उसमें शुगर लेवल था मेरा, फास्टिंग था 137, अब खाना खाने के बाद 107 हो गया, सात उतना फर्क हो गया। अब अभी परसों जब कराया डॉक्टर तो खाना फास्टिंग 170 हो गया और खाना खाने के बाद हो गया 170, तो क्या हफ्ते हफ्ते में इतना फ्लक्चुएट करता है मतलब शुगर? ये शुगर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, ये आपके दिनचर्या पर निर्भर करता है, आप मोबाइल टीवी रोज चेक कर रहे हो से देखो पढ़ क्या रहा है ना, देखो देखो हेलो, बाकी लोग कृपया म्यूट कर, हां हेलो, देखिए माफ करेंगे आवाज नहीं आ पा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है, आप सभी लोग अपने माइक को बंद रखें, म्यूट कर दें प्लीज। मैं बता रहा हूँ, शुगर से जो फ्लक्चुएशन होता है वो आपकी दिनचर्या पर डिपेंड करता है, आप किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी क्या है और आपके खाने पीने पर निर्भर करता है।
अगर आपको खाने पीने में, देखिए आजकल जो चिकित्सक वो थोड़ा लिबरल कहते हैं कि आप थोड़ा सा चावल भी खा सकते हैं, थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं, थोड़ा वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अगर शुगर का फ्लक्चुएशन है तो आपको अच्छे से परहेज रखना चाहिए। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है दोनों टाइम, और तभी दवा वो काम करें। अगर आप सोचें कितना देर वॉकिंग करें, 40 मिनट तो कम से कम वॉक करना चाहिए, लेकिन अगर आपको 40 थक जाते हैं, हाँ वो बता तो रहे हैं जब से कोविड हुआ है तब से थक जाते हैं। हाँ मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि आपको बहुत एक्सर्ट नहीं करना, आप रुक रुक के कीजिए। आपको जैसे 10 मिनट वॉक कीजिए फिर बैठ जाइए, फिर 10 मिनट वॉक कीजिए, ऐसे करके 40 मिनट कीजिए। थकना नहीं है, पसीना नहीं बहाना है। लेकिन ऐसा होता है कि हफ्ते हफ्ते इतना घट बढ़ होता है, ये आपके दिनचर्या और खाने पीने पर निर्भर करता है। आप उसको सब चीज खाती हूँ एकदम वैसा ही रहती हूँ। हाँ ये फ्लक्चुएशन हो सकता है, ये फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन जितना कम फ्लक्चुएशन होगा उतना सेफ रहेगा आपके लिए। डॉक्टर कितने दिन में शुगर जांच करवाना चाहिए? आप क्योंकि पुरानी डायबिटिक पेशेंट है आपको रखिए, हाँ अपने पास रखिए, बीच बीच में चेक करते रहिए, लेकिन महीने में दो बार। अरे उससे बहुत गड़बड़ गड़बड़ आता है। नहीं तो डेली लाइन टेस्ट कर सकते हैं, महीने में दो बार तीन बार आप। नहीं घर वाला जो है ना इसने कराया तो 212 आ गया पॉजिटिव, और लैब में जाके करवाया तो 137 आ गया, इतना फर्क आ गया उसमें। हाँ तो जैसे ग्लूकोमीटर, नहीं ग्लूकोमीटर भी अगर बहुत पुराना हो गया है तो उसको एक बार चेक करवा लीजिए, और उसको दूसरे के किसी के ग्लूकोमीटर से कंपेयर करवा लीजिए। खाना क्या खाना चाहिए, आम खाएं कि नहीं, लीची खाएं कि नहीं? आम तो पूरा शुगर से भरा हुआ है। लीची अब ये तो और ज्यादा जहर है। डॉक्टर साहब मैंने छुआ भी नहीं है लीची और आम। हाँ नहीं नहीं आप केवल देखिए बच्चों को खाते समय देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। मेरे हिसाब से टाइम दे, हाँ सूखी रोटी दाल के साथ, दूध के साथ और हरी सब्जी, बस दूध ले सकते हैं। अभी कोविड के बाद मेरे को फ्लोरी बहुत लग रही है। प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा लीजिए, प्रोटीन ज्यादा लीजिए। प्रोटीन में जो मार्केट में आता है वो भी नहीं, तो दूध दही सत्तू पनीर छेना ये सब लीजिए। फिर आपसे बात करते हैं मैडम। ठीक है बने रहिए डॉक्टर। नहीं आप बने रहिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर। अभी अभिषेक आनंद जी। मेरा सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी लेवल को कैसे चेक करता है कि हमारी इम्यूनिटी लेवल हाई है या लो है, इसको पता है? ऐसा कोई स्केल नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है लोगों के पास, लेकिन आप ऐसे समझिए आपको है, आप थकान महसूस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ढंग से अपने रूटीन वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर नींद आती है आपको, ये सब चीज़ आपकी जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल ढंग से हो रही है, इसका मतलब आप नॉर्मल हैं, आप ठीक हैं, आपका इम्यूनिटी मेंटेन है। और अगर कोरोना से आप बच गए हैं या आप कोरोना से हल्के रूप में पकड़ा के बच गए हैं, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी बचाई है, दवा नहीं बचाया है, डॉक्टर नहीं बचाया है, इम्यूनिटी बचाई। जैसे मेरे फादर के केस में सर, उनको जैसे 26 तारीख के बाद मैंने 28 तारीख को जब उनका एचआरसीटी टेस्ट किया गया एमएज आया, लेकिन वो हो रही थी, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये कोरोना का ये कौन सा रूप है ये कुछ समझ में नहीं आया। आप अभिषेक बोल रहे हैं क्या? जी जी हेमंत जी के लड़के। जी जी हाँ तो आपसे तो बात हुई थी, मैं बता दूं आपको फिर से। देखिए जिस समय आपको 96% सीटी में अफेक्टेड बताया, लेकिन उसमें उसके पहले आपने कहीं पर ऑक्सीजन, वो नाम नहीं लेना है, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन आपने चेक करवाया, आपने कहा कि 95% SpO2 है, एक्चुअली वो 95% होगा नहीं, क्योंकि जितना लंग अफेक्टेड था उसमें उतना ऑक्सीजन होने का सवाल ही नहीं होता था। उस समय जिस समय सीटी हुआ था उस समय वो काफी डिस्परेट कंडीशन में थे, और वो चल फिर रहे थे इसलिए कि उनकी हिम्मत थे। हेमंत जी को हम लोग हमेशा
हिम्मत हिम्मती जैन के रूप में ही जानते थे कि हिम्मती है, और वो हिम्मत के चलते अपना सब चीज अपना करते जा रहे थे। लेकिन उनका अगर दो चार दिन पहले से केयर हो जाता, अगर वो थोड़ा भी हिंट देते तो शायद हम लोग बेटर पोजिशन में होते। उस दिन मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास समय नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए, है ना, याद है ना? हाँ ये तो आप कह रहे सर, लेकिन मैंने जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर कुछ कहता नहीं है तो आपको नहीं, इसके अलावा भी तो जज करना पड़ेगा। जैसे बच्चा बच्चा सब चीज बोलता थोड़ी है, आप महसूस करते हैं कि इसको भूख लगी है, इसको दर्द है, ये दिक्कत है, तो उससे आप ये भी लर्न करना पड़ता है। तो बच्चे और बूढ़े दोनों में लर्न करना पड़ता है क्या है, उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता करना पड़ेगा। देखिए आप कहते हैं ना कि डॉक्टर को आधा देख के डॉक्टर को देख के मरीज आधा ठीक हो जाता है और मरीज को देख के आधा डायग्नोसिस कर लेता है। इतनी सही बात है, जब मरीज चैम्बर में घुसता है तो एक अंदाज जरूर मिल जाता है कि क्या पोजीशन, और डॉक्टर चीयरफुल होकर मरीज से बात करता है तो मरीज भी आधा जरूर खुश हो जाता है कि भाई चलो हम अच्छी जगह। तो वो चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज से भी पता जरूर करना चाहिए। और हम उस समय पोजीशन ये थी कि कहीं बेड नहीं था, कहीं भर्ती नहीं कर सकते थे आप, तो नहीं कहीं कोशिश तो बहुत की है लेकिन कहीं कुछ हो नहीं पाया। मैं जानता हूँ, लेकिन उस समय सही में इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास समय नहीं है, आप जो करना है जल्दी कीजिए। कोशिश तो बहुत की सर, लेकिन क्या है ना कि कोरोना का कोई लक्षण उनके में स्पष्ट तौर पर दिख नहीं रहा। नहीं अभी हम लोग ये चीज कह रहे हैं, अभी कुछ भी जी, अभी जैसे कुछ केस में हो जा रहा है कि हार्ट रेट सिर्फ कम हो जा रही है, कुछ नहीं, कोई फीवर नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि कोरोना ही है और उसका इलाज उसी लाइन पर दे रहे हैं और वो ठीक हो जा रहा है। एक्चुअली कितना मिनिमम होना चाहिए? मिनिमम 70 के करीब होना चाहिए, नॉर्मल हार्ट रेट यही है, नॉर्मल हार्ट रेट। लेकिन ज्यादा भी इसमें कोरोना में ये नियम नहीं है कि कम ही हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है। अभी कोरोना में 120 जबकि 70 से 80 के बीच में हार्ट रेट होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टेंटली कुछ लोगों का 100-120, कुछ तो एंग्जाइटी से चिंता से और कुछ ऐसे भी कोरोना के कारण किसी भी रूप में प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ये हेलो, हाँ अग्रणी, हेलो अग्रणी प्रिया, हेलो क्वेश्चन पूछो अग्रणी। गुड इवनिंग सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि इस महामारी के दौर में विगत एक वर्षों से हम सब घरों में हैं, जिससे हम सब पर स्पेशली विद्यार्थियों पर मानसिक रूप से बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है? देखिए ये आपकी लाचारी भी है कि घर में बने रहना है, और ये आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी है, क्योंकि अभी की तीन ही बातें ना है, एक तो मास्क पहनना है, हाथ धोते रहना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है, और बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलना। ये आपको अभी उकताना भी नहीं है, 2021 में पूरा इसी तरह से निकाल देना है, और इससे सिर्फ पॉजिटिव रहिए, ये समय टेम्पररी है, ये समय बीत जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे, तो फिर 2022 में फिर हम लोग मिलना जुलना करेंगे। और इसके अलावा और परेशान नहीं होना है, अपनी पढ़ाई आप ऑनलाइन, अभी तो मैडम लोग है ना बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस करवा रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टडी जारी रखना है, पेरेंट्स को भी परेशान नहीं करना है, उसकी भी बातें सुनना है, कुछ घर का भी काम करना है, और है ना इसी में पॉजिटिव बने रहना है, अपना खाना पीना भी ठीक रखना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। बहुत लोगों के साथ ये समस्या हो रही है कि लोग खा रहे हैं और बैठे रह रहे हैं, बैठना नहीं है, एक्टिविटीज रखना है, वॉकिंग जरूर करना है और पॉजिटिव रहना है। जी आप लोगों को शायद ये पता होगा कि 1918 में भी इसी तरह का प्रकोप हुआ था, स्पेनिश फ्लू उसको कहा गया था, स्पेनिश फ्लू वो सबसे पहले स्पेन में शुरू हुआ था और उसके बाद पूरे विश्व में इसी तरह से फैल गया था। उसको खत्म होने में 2.5 साल लगे थे, 1918 से लेके 1920 तक स्पेनिश फ्लू से तबाह था।
उसके 100 साल पहले भी इसी तरह की महामारी आई थी 1818 में। तो इसलिए पता नहीं ऐसा संयोग है कि हर 100 साल के बाद एक ये त्रासदी हम लोगों को देखने को मिलती है। और आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए ना, कोरोना आपको बहुत कुछ सिखा दिया। कोरोना आपको ये सिखाया कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम लोग का तुरंत में हम लोग इतना खाने लगते हैं कि पेट निकल जाता है, वो कभी नहीं होना चाहिए। ओबेसिटी कोरोना से पहली दुश्मनी है, ओबेसिटी से ओबीज एकदम नहीं रहना, वेट अपना मेंटेन रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ऐसे भी जनरल एक्सरसाइज करना है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि एजिंग डिले करना तुरंत में, जैसे देखिए जो आदमी शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है वो 60 वर्ष में बूढ़ा लगने लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप 70 में भी बूढ़ा नहीं लगिएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई दवा नहीं आती है। थोड़ा सा एक्सरसाइज किए, वेट को कंट्रोल किए, खाना पीना उसी हिसाब से किए, तो इससे आप एजिंग को थोड़ा डिले कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। ममता जी, ममता सिन्हा जी नेक्स्ट। ममता जी अनम्यूट कीजिए अपनी माइक को। जी बोला जाए। मैम हेलो। हाँ खुशबू स्प्रिहा आ रही है आपको? हाँ जी खुशबू स्प्रिहा। सर सर मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले ही वैक्सीन लिया था मैंने, ठीक है, तो उसके बाद जो साइड इफेक्ट लोग कह रहे हैं तो उसमें मुझे आई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब आंखें खुल नहीं रही थी या आंख के आसपास में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो क्या सिर्फ उसका साइड इफेक्ट ही है वैक्सीन का? ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी में वैक्सीन लेने के बाद जो भी हो वो वैक्सीन का साइड इफेक्ट ही हो, लेकिन एक बेसिक बात मैं बता दूं आपको, आप जो वैक्सीन लेते हैं ये वैक्सीन क्या है, ये एक ऐसा जैसे दही में आप जोड़न मिलाते हैं तो क्या होता है, एक वो एक तरह का बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस उसको बोलते हैं, वो एक तरह से हम लोग मिलाते हैं और रात भर में पूरा ग्रो करके वो पूरे दही को जमा देता है। वैसे ही एक ये थोड़ा सा जोड़न वैक्सीन जो है वो एक तरह से जोड़न है आपके शरीर में डाला गया और बॉडी में वो रिएक्ट करता है और इस बीमारी से लड़ने के लिए सिपाही पैदा करता है। तो वो सिपाही पैदा करता है, तो सिपाही जब पैदा हो आपके शरीर में, मान लीजिए आप एक बार में 1000 सिपाही कहीं फील्ड में आपको दिए, तो सिपाही कुछ खलबली भी करेगा, तो वही बॉडी में उसका, इसी को कहते हैं हम लोग रिएक्टिव वैक्सीन। बॉडी में आपको वैक्सीन दी गई, बॉडी में उसका रिएक्शन होता है, उससे लड़ने के लिए सिपाही पैदा हुए जो कि अगला अटैक आप पर अगर कभी कोरोना का हुआ तो उससे लड़के उसको भगाएगा। उसी में कभी कभी ओवर रिएक्शन भी हो जाता है, वही आपको वैक्सीन के रिएक्शन के रूप में दिखाई पड़ता है। वो आंख में दर्द क्या किसी भी तरह, कुछ लोगों को फीवर हुई 101 डिग्री तक, किसी को वहीं पर जहां वैक्सीन का साइट है वहां पर सूजन हो गई, और किसी को पेन बॉडी एक होने लगा, किसी को वेस्ट में पेन होने लगा कमर में, मतलब विभिन्न तरह से प्रेजेंट किया, लेकिन एक दो दिन रहा और बहुत कोई सीवियर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संयम रखना है, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। जी एक्चुअली मेरा वही था कि क्योंकि कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो फीवर ही है या बॉडी एक है, बट आई में एक होना थोड़ा सा वो मुझे अलग सा लग रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं भी वो रिएक्शन शो कर सकता है, बस उसमें घबराना नहीं है। अगर संभव हो तो चिकित्सक के कॉन्टेक्ट में रहिए ऑनलाइन और वो एक दो दिन में सब्साइड कर जाता है। अगर फीवर किसी को हो ही एक दवा है जो सबसे सेफ है दुनिया में, उसको आप 500 लीजिए, सुबह शाम लीजिए, 3 बार लीजिए, उससे नहीं हो तो 650 पर जाइए, बस इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। पानी का इंजेक्शन बना कर, पानी पर मैं एक बात अभी बता दूँ, हम लोग हमेशा कहते हैं कि 2.5 से 3 लीटर इस मौसम में 2.5 से 3 लीटर पानी 24 घंटे में जरूर पीना चाहिए हर नॉर्मल आदमी को, एडल्ट। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में 3 गिलास पी जाइए, एक बार में 1 गिलास से ज्यादा नहीं पीना चाहिए, 200 ml से 300 ml ये भी जरूरी है, इसका भी कुछ साइंटिफिक कारण है। और
इसी तरह से बने रहना चाहिए और घबराना नहीं, अगर पेन हो तभी पैरासिटामोल, फीवर हो तभी। अच्छा तो सर उस अगर आपको कोई एक हो रहा है, कोई बॉडी पेन है या पैरासिटामोल यूज कीजिए। अच्छा ओके ओके थैंक यू। नेक्स्ट आलोक, आलोक आलोक क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। From the news that the second and third corona wave is very dangerous, should we take to be safe from the second and third wave, and other than mask and social distancing? क्वेश्चन तो बेसिक हमेशा रहेंगे आपको, मास्क, हैंड वॉश एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये किसी भी इंफेक्टिव बीमारी के लिए रामबाण की तरह है। इस तीन को तो आप हमेशा फॉलो कीजिए। इसके अलावा फर्स्ट वेव से सेकंड वेव क्यों डेंजरस है, इसको आप साहित्यिक तौर पर आप ऐसा समझिए कि सपोज ये गैलेक्सी म्यूट कर लीजिए ना, म्यूट कर लीजिए। ऐसा है कि अगर अगर कोई सांप है दीपेश जी, जी मैम अपने माइक को म्यूट कीजिए, जब क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट करेंगे प्लीज। और एक गैलेक्सी शर्मा जी हैं, जे टू, हाँ जे, हाँ जेके शर्मा, हाँ इनको बोलिए साउंड म्यूट करने के लिए, जेके शर्मा म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर की आवाज नहीं आ पाएगी, साउंड म्यूट कीजिए प्लीज। मैं यहीं से कर दूं क्या? आप वही से कीजिए, बहुत बन जाइए। हेलो, हाँ जी सर, हाँ आलोक जी का मैं जवाब दे रहा था कि जैसे मान लीजिए सपोर्ट कोई सांप है, आप सांप को हल्का से एक डंडा मार दीजिएगा, हल्का से डंडा मार दिए तो अगली बार जो वो फुफकारेगा वो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। उसी तरह आप समझिए कि कोरोना वायरस को आपने फर्स्ट वेव में परास्त कर दिया वो, और हम लोग बच गए। अब जो वो उसी फॉर्म में अगर आएगा तो उस फॉर्म में तो आपके पास दवा है, ये कोरोना वायरस को मालूम है, और अब उस पहले से ज्यादा विकराल बन के आएगा तभी वो, उसके तरफ से सोचिए कि वो तभी सर्वाइव कर पाएगा, इसीलिए वो ज्यादा विकराल रूप में प्रकट होके आया। वो हल्के रूप में आया तो वो उसको हम लोग खत्म कर दे रहे थे, इसीलिए जो विकराल रूप में आया वही सर्वाइव किया कोरोना वायरस, और वो हम लोगों को उसी तरह से परेशान किया। और थर्ड वेव में अगर देखिए ईश्वर से मनाएंगे हम लोग कि थर्ड वेव ना आए, अगर अभी से हम लोग सावधानी, होता ये है कि जैसे ही सेकेंड वेव अब डाउन हो रही है तो लोगों ने मास्क उतार दिया, लोग हाथ धोना बंद कर दिए, लोग फिर मिलना जुलना शुरू कर दिए, सड़कों पर भीड़ हो गई। अगर ये सावधानी बना के रखे आगे भी तब हो सकता है थर्ड वेव नहीं आए, इसलिए थर्ड वेव आपके कंट्रोल की चीज है, अगर आप सभी उसी तरह सावधानी बनाए रखें तो शायद थर्ड वेव नहीं आए। लोग ये भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा डेंजरस होगी, उसका देखिए कारण है क्योंकि सारे एडल्ट तब तक वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, बच्चे ही रहेंगे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे, इसलिए ज़्यादा चांस है कि अगर बच्चों में बीमारी हुई तो वो फिर ज्यादा सीवियर फॉर्म में होगी क्योंकि वो अनवैक्सीनेटेड अनप्रोटेक्टेड रहेंगे। इसीलिए बच्चों को खास करके बचा के रखना है, उनको भी मास्क की आदत डाल के रखिए और डिस्टेंस मेंटेन करना उनको भी सिखाना है, घरों से बाहर अभी नहीं निकालना है 2021 और 2022 के मार्च तक तो कम से कम किसी को भी अभी बाहर नहीं निकालना है बिना जरूरत के, बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाना है।
तो ये ध्यान में रखना होगा और इसी तीन मंत्र से ही आप बच सकते हैं। और अगर किसी को हो तो अर्ली स्टेज में। हाँ, एक मैसेज में और ये देना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय तक आप घर पे इलाज न करते रहें। फर्स्ट 5 डेज आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप घर में रहें, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल आपका गिर रहा है तो आप घर में रहने का रिस्क, ऑक्सीजन थेरेपी आप घर में नहीं दे सकते, 1 दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जिन्होंने भी ये रिस्क लिया है, चाहे वो डॉक्टर ही हो, अगर ये घर में रिस्क लिया है कि मैं घर में ही ऑक्सीजन मैनेज कर लूँगा, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें हाई फ्लो में ऑक्सीजन देना पड़ेगा जिसका अंजाम घर में नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि जिस समय ये ज़रूरत पड़ती है उस समय हॉस्पिटल में बेड्स नहीं रहती है, वहाँ पूरा ओवरक्राउडिंग हो जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, इसके लिए आप हॉस्पिटल को दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो लोग जो बोलने लगते हैं कि पूरा हेल्थ सिस्टम क्रश हो गया, ध्वस्त हो गया, वैसा नहीं है। देखिए, इसके लिए आप प्रिपेयर नहीं रह सकते हैं ना, इतनी बड़ी क्राइसिस के लिए किसी भी देश में पूरी तैयारी हो के पहले से रहे ऐसा संभव नहीं है। ये बताएं, थोड़ी सावधानी रखना, सावधानी में हम लोग कमी करते हैं तभी हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ती है और हम लोग को परेशानी होती है। इसलिए अभी आपको ये सारी बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि ये आप तक रहेगी, आप में से एक एक आदमी, एक एक हजार को एजुकेट कर सकता है कि उनको सावधानी लेनी है, और वही तीन नहीं छोड़े, हैंड वॉश करना बंद नहीं करें आप लोग 2022 तक, आगे भी हाथ वॉश करना तो पहले से भी बताया जा रहा था, हम लोग नहीं समझ रहे थे, और तीसरा डिस्टेंसिंग। ये आलोक जी, हाँ, नेक्स्ट कृष्ण माधव अग्रवाल जी। कृष्ण माधव जी, यस मैडम, हाँ बोला जाए। हेलो, अनम्यूट कर लीजिए। कृष्ण माधव जी अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए सर से। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर, कोरोना जिसको हो गया है उसको सेकेंड डोज अगर लेना है या फर्स्ट डोज लेना है, इसका गाइडलाइन क्या होना चाहिए? आपका मतलब वैक्सीन से है? वैक्सीन से है जी। अगर कोरोना हो गया है तो ठीक होने के बाद, ठीक होने का क्राइटेरिया वो उस पर हम आ रहे हैं, ठीक होने के बाद 1 महीने के बाद सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन ले सकते हैं, लिया जा सकता है ना? जी जी। और जिसको सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज नहीं लिया हो तो उसको शुरू कर सकते हैं जी। हाँ, क्योंकि फर्स्ट डोज के बाद अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो, क्योंकि वहां जाने पे वो बताते हैं कि 2 महीने बाद आइएगा, 3 महीने ठीक होने के बाद निगेटिव रिपोर्ट आपका आ गया या कम से कम 14 दिन बीत गया है फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम से, उसके बाद 1 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। ये मिनिमम पीरियड है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बस 1 महीने 30वें दिन ले लेना है, 30 दिन के बाद कभी भी ले सकते जी। हेलो 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 जी मैम। आयुष राज, आयुष, हाँ ओके। यस मैम, गुड इवनिंग सर। सर, और इस मौसम में वायरस और जुखाम, खांसी जुखाम ज्यादा फैलता है, तो इससे लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या खांसी जुखाम का इलाज एज ए कोरोना प्रोटोकॉल हम कर सकते हैं, लोगों से दूरी बनाकर आइसोलेट होकर? देखिए, अभी के समय में कुछ भी इस तरह का हो, फीवर हो, खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, आप कोरोना प्रोटोकॉल पर ही इलाज करना है। कोरोना हुआ तो सेफ हो गए आप, दूसरा अगर नहीं भी कोरोना है फिर भी कोई ना कोई वायरल ही प्रॉब्लम हो, उसमें भी यही प्रिकॉशन लेना है, यही प्रोटोकॉल। अगर फीवर है तो पैरासिटामोल देना है, विटामिन सी आप इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाता है वो, बाकी पानी पीना है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी हो, पानी का इंटेक ठीक रखना है। देखिए, इसमें बिल्कुल साइंटिफिक और कॉमन सेंस की बात है, अगर आप सफिशियंट पानी पिएंगे तभी आपके शरीर का विकार बाहर निकलना, अगर आप पानी पीना कम कर देंगे तो विकार निकलेगा नहीं, इसलिए 2.5 लीटर कम से कम पानी पीजिएगा, तब 1.5 लीटर आपको यूरिन में उसका विकार निकलेगा, इसलिए 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। हाँ, एक कॉशन जो मैंने पहले भी कहा, एक बार में 200-300 ml से ज्यादा नहीं। ओके, थैंक यू।
सर अभिषेक आनंद जी फिर से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। अभिषेक जी सर क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा जंप कर रहा है अप डाउन हो रहा है तो क्या उसको कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं कोरोना वैक्सीन लेना तो है ही, ये बिल्कुल सब लोग ध्यान में रखिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो आपको वैक्सीनेटेड हो जाना है, ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए आज मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ लेकिन अभी एक बात बता दूँ, सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया गया, देखिए इससे फायदा हुआ कि फ्रंट लाइन वर्कर रिलेटिवली सेफ हो गए और आज आपकी सेवा कर रहे हैं लोग। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी 12,000 लोग मर जाते, पता चलता कहीं। इसलिए प्रशासन पुलिस और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसीलिए पहले दिया गया, इसीलिए आपको ये इनडायरेक्ट मैसेज है कि आप अर्लीस्ट वैक्सीनेट कि डायबिटीज में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो यथासंभव, देखिए वैक्सीन लेने के बाद भी तो शुगर आपको कंट्रोल कराना है, उसको तो अस्थिर करना है, इसीलिए जितनी जल्दी हो आप उसके पूर्व ही अगर करा लेते हैं, जैसे हम लोग से कोई पूछता है ये ऑपरेशन है 300 शुगर है हो जाएगा, हमके होने के लिए हो जाएगा लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद आप फिजिशियन के पास जाइएगा शुगर कंट्रोल कराने, उसमें ज्यादा कष्ट होगा, पहले ही आप शुगर कंट्रोल करा लीजिए तब ऑपरेशन कराइए ज्यादा सुरक्षित होगा, तो वैसे ही पहले कंट्रोल करवा लीजिए तो ज्यादा सुरक्षित है, आप रिएक्शन का चांस कम होगा। देखिए वजन पे आप ध्यान दीजिए, वजन शरीर का वजन बढ़ेगा ये पहला दुश्मन है आपके शरीर का, आपका पहला दुश्मन आपकी ओबेसिटी है, मुझे लग रहा है अभिषेक जी आपका भी वजन ज्यादा है। नहीं सर वजन ज्यादा नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा, हाइट क्या है आपकी? हाइट क्या है? 5'6" वजन कितना है आपका? वजन अप्रॉक्स 74 या 75 केजी है सर। आपका वजन 65 होना चाहिए, 65 10 किलो का मार्जिन है, 7 किलो तो घटाना है। देखिए आयुष राज का वजन एकदम ठीक है। थैंक यू सर। तो कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट मिल गया भाई को। दीपेश जी का भी वजन ठीक है। हां नेक्स्ट हमारे राजेश सर हैं ईएनटी के, बहुत सीनियर आदमी, उनका भी वजन देखिए एकदम मेंटेन्ड है, इसलिए उनका इस मामले में भी वजन एकदम फिट है। हेलो। हाँ हेलो सर। और हाँ जी बोला जाए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रणव कुमार दास। हाँ प्रणव। मैं सर 2020 अक्टूबर में मुझे कोविड हुआ था और मैं फिट हो गया और ठीक हो गया हूँ, लेकिन कफ और ब्रेन माथे पर थोड़ा दर्द महसूस होता है अभी भी, इसका क्या कारण है? कफ है? कफ मतलब खांसी है, सूखी खांसी? ना खांसी नहीं है लेकिन कफ निकलता है। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, इसमें आप दो तीन बात का ध्यान रखिए कि एक तो पानी का इंटेक फिर आप ठीक कीजिए है ना, दूसरा पॉजिटिव रहिए, दिमाग में टेंशन मत रखिए कि हमको फिर से कोरोना हो जाएगा या उससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या हमको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वैसा नहीं। आप चश्मा पहनते हैं, कितना दिन हो गया आपको चेक कराए हुए? 3-4 साल हो चुका। साल में एक बार चश्मे का चेक करवाना चाहिए, हो सकता है मान लीजिए पावर में ही अंतर हो गया हो तो उसके कारण हेडेक हो रहा हो, आप उसको कोरोना से रिलेट कर रहे हैं है ना, तो टेंशन तो हम लोग खुद बढ़ा देते हैं, साल में एक बार चश्मे का चेक जरूर करा लेना है, पावर बदले या नहीं बदले। इन बातों का ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए, पानी का इंटेक एकदम ठीक रखना है, थोड़ा वॉकिंग, हर आदमी को थोड़ा वॉकिंग जरूर करना है। हम तो 2 घंटा आपको योगासन वगैरह करते हैं सवेरे। नहीं योगा के अलावा वॉकिंग जरूर ही है। अच्छा वॉकिंग जरूर ही है, आप 40 मिनट ही कीजिए लेकिन वॉकिंग कीजिए, थकना नहीं है, एक्सरसाइज में भी कभी भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है कि पसीना बहाना है, वो एक्सरसाइज नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको कैलोरी कंज्यूम करना है, शरीर को एक्टिव रखना है, ज्वाइंट्स को एक्टिव रखना है, पर्पस ये है, हमको पसीना नहीं बहाना है। माथा जो करता है बीच-बीच वो इसी से आराम नहीं, उसका कारण बताया ना आप, चश्मा का चेक करवाइए। अच्छा अच्छा ओके थैंक यू सर। और में अंतर हो? अच्छा अच्छा ठीक है सर, वो जब चेक कराने जाएंगे।
एक बार जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वही साल में एक बार बॉडी की सर्विसिंग के लिए मिनिमम इतना प्रोटोकॉल रखना है कि चश्मे का चेक करवा लिया, शुगर चेक करवा लिया, बीपी करवा लिया, है ना, ये जरूरी होता है। ठीक है थैंक यू सर। ओके, बाकी आप फिट हैं, हेल्थ आपका एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। आयुष राज। यस मैम सर, मेरे प्रश्न था कि दूसरी लहर में लोगों को डबल मास्क यूज करने को कहा गया और सर डबल मास्क लगाने के बाद सांस संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही है, सर इसके लिए आप क्या बताएंगे? नहीं, मास्क का ऐसा है कि मास्क का मतलब है कि वायरस से प्रोटेक्शन। बीच में ऐसे गुलेरिया साहब का भी एक आया था बीच में कि मास्क को डबल कर दीजिए, तो वो हर तरह के मास्क को डबल करने के लिए नहीं बोल रहा है। सर्जिकल मास्क अगर है तो उसको आप डबल कर दीजिए, लेकिन साथ में ऐसा जरूर रखना है कि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, ये जरूरी है। अगर N95 आप लगाते हैं तो वो उतना जरूरी नहीं है, और डबल मास्क भी उसके लिए ज्यादा जरूरी है जो हेल्थ वर्कर है, जो ज्यादा प्रोन हॉस्पिटल में काम कर रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है। आप सिंगल मास्क भी लगाएं, लेकिन वो थ्री प्लाई मास्क। मास्क देखिए बहुत तरह का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर शायद आप वहां से देख पाएंगे। देखिए ये इस तरह का मास्क आप बहुत कॉमनली देखे होंगे, ये तो पीछे बांधने वाला है, थ्री प्लाई मास्क है ये। उसी तरह से आपको देखिए ये कान में फंसाने वाला है, ठीक है ना, ये इसी तरह से N95 है, ये N95 मास्क है, ये सर के ऊपर फंसा लेगा क्योंकि कान में हम लोग को तो हमेशा लगा के रखना पड़ता है, इसीलिए जैसे सपोज के मान लिया ये इस पर चला गया, कान पे नहीं गया तो कान दर्द नहीं करता है ना, ये इसका ये फायदा है। इसमें भी दो तरह का आता है, ये जैसे एक ये मास्क हुआ, ये थ्री प्लाई रहता है, इसके अंदर में मतलब बाहर भीतर कोटिंग और अंदर में भी कपड़ा दिया रहता है ताकि वो, लेकिन जब आप हेल्थ स्टाफ है, पेशेंट को क्लोजली देखते हैं, आपकी ड्यूटी कोविड वार्ड में है, तब तो देखिए जितना प्रोटेक्शन हो जाए उतना कम है। मास्क यहीं पर खत्म नहीं होता है, इससे भी ज्यादा हार्ड मास्क सब है, ये जैसे देखिए इसी में है जैसे फिल्टर वाला मास्क है। अब बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि ये फिल्टर वाला मास्क जो लगाया हुआ है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन सामने जो आदमी बैठा हुआ है उसके लिए ये अनसेफ हो गया, उसके ऊपर हम इन्फेक्टेड हवा को छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने चेंबर में इस तरह का मास्क लगाए हुए लोग को घुसने नहीं देते हैं क्योंकि ये मेरे लिए डेंजरस है, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरह का मास्क है। ये सब इस तरह के पैक में आना चाहिए, खुला नहीं आना चाहिए, सब ये पैक खोल के तब मास्क निकालना है जो N95 है। तो डबल मास्क वाला कोई आपके लिए जरूरी नहीं है, आप सिंगल मास्क भी, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। अब उसमें थ्री प्लाई मास्क है, देखिए अब उससे लोग टू प्लाई मास्क बनाने लगे, सिंगल लेयर का बनाने लगे, कपड़े का पतले से कपड़े का मास्क बनाने लगे, तो उसको तो फिर डबल कर लेने में सेफ्टी है ना, वो तो कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ, है ना। ओके थैंक यू। हेलो मता दीन अग्रवाल जी सर, आपके क्वेश्चन सर। मीटिंग के टाइम में खर गए, पूछा जाए सर जी, आप प्रश्न सर, ब्लैक फंगस में नाक और साइनसिस का क्या करूं? एक बार फिर से, ब्लैक फंगस में नाक साइनस में इसका क्या असर होता है? वही बताया ना कि जैसे होता क्या है ना कि सबसे पहले आपने पूर्व में पूछा था कि ब्लैक फंगस की क्या पहचान है, तो एक तो नाक के पास ब्लैक डिपॉजिट हो जाएगा, अगर है फंगस होता तो नाक के अंदर भी ब्लैक डिपॉजिट हो जाएगा, और नाक के बगल में साइनस है, जैसे ये नाक हुआ, नाक के बगल में ये साइनस एरिया अंदर में हॉलो एरिया रहता है अभी का, इसी तरह ये भी रहता है, इसमें जाके अंदर जाके बैठ जाता है, जब वो भर जाएगा तो वो आंख की तरफ जाएगा, आंख में अगर भर गया तो वो डेंजरस तो हो गया, उसमें आंख निकालने भी पड़ जा रही है, ऐसा कई बार हो गया है, उससे भी अगर ज्यादा बढ़ गया तो वो ब्रेन की तरफ
लेकिन आप सोचिए कि वो आदमी कितना लापरवाह होगा कि उसको नाक से साइनस में हो गया, साइनस से आंख में चला गया और आंख से ब्रेन में चला गया। तो समय मिला होगा वो हॉस्पिटल ले तभी उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ, और इन सब से बचा जा सकता है। जी कॉटन मास्क से उसको वाश करके दूसरे दिन यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, आपको 90% प्रोटेक्शन तो नहीं, 80% प्रोटेक्शन तो हो ही जाएगा ना। हाँ वाश तो जरूर, अगर वही कपड़े का मास्क आपको यूज करना है तो वाश जरूर करना है। दूसरे दिन मास्क में यूज किया नहीं लगा? हाँ आइडियल नहीं है वो आइडियल नहीं है। आइडियल का मतलब आप समझ रहे हैं, आइडियल नहीं है मतलब वो सबसे अच्छी चीज नहीं हुई, लेकिन काम चलने लायक हुई। नहीं से अच्छा है, नहीं से अच्छा है। तीसरे दिन लगाते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं धोके, लेकिन उसको फिर भी सप्ताह में एक बार जरूर चेंज कीजिए। इसके अलावे भी जैसे फंगल इन्फेक्शन से बचना है तो मैं आपको बता दूं कि बेडशीट, टॉवेल, ये इन सब चीजों की सफाई ज्यादा जरूरी है, और इन सब को धूप भी बीच में दिखाना चाहिए। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, हम लोग के घरों में सब्जियां आती है, आप ध्यान दीजिएगा कि प्याज में अगर पिछले सीजन का प्याज है तो उसमें कभी कभी ग्रीन ब्लैक बहुत डिपॉजिट रहता है, ऊपर में जमा हुआ रहेगा, दिखेगा आपको, जिसको हम लोग धो देते हैं, लेकिन वो फंगस है, वो फंगस है। अब वो ठीक है, वो खाने में चला गया, पक जाएगा तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर उसको छुए और उस उंगली से फिर नाक को छुए तो नाक में चला जाएगा। तो आलू प्याज सबको धोना जरूर है, सफाई जरूर करना है सब्जियों की, वो जरूरी है। सर हेलो। जी बताइए। सर मैं गौतम भौमिक बोल रहा हूँ पूर्णिया से। जी बोलिए। मेरा यही है कि आज जो सरकार ब्लैक फंगस से इतना काम कर रहा है, अगर किसी को होने, क्या लोकल बेस में कोई हॉस्पिटल इसके माने इसमें उतर सकेगा, उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा? ज्यादातर देखा जाता है कि कोई भी होता है तो उसमें बोला जाता है कि आप जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, लेकिन क्या ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेस, चूंकि गांव से रिलेटेड है, लोगों को आना जाना है, क्या ये बेस में ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारा स्टेट गवर्नमेंट इससे लड़ाई कर सकेगा? ये मेरा मन में एक प्रश्न आ रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल लड़ रही है, अभी पटना में काफी केसेस आए हैं, आईजीआईएमएस की पूरी तैयारी कर दी गई है। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी। मास्क नहीं पहने हैं सर, मास्क नहीं पहने हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी इसकी तैयारी नहीं है, लेकिन वहाँ यहाँ भी जैसे आरा में सदर हॉस्पिटल में एक वार्ड बन गया है जिसमें कि फंगस से लड़ने का, इसमें मेन दवा जो है ना वो एम्फोट्रेक्सिन है। ये दवा कोई नई दवा नहीं है, ये दवा कालाजार के लिए अपने यहाँ इंडिया में यूज होते भी आई है। जी सर, जी सर। लेकिन वो एक दूसरे फॉर्म में, वो एम्फोट्रेक्सिन बहुत कम मात्रा में, एक वायल काफी है उसमें, एक लेकिन अभी जो फंगल इन्फेक्शन में यूज हो रही है उसमें एक मिला के चढ़ाया जा रहा है। जी सर। तो लाइपोसोमल एम्फोट्रेक्सिन भी है, इसको अब इंडिया में काफी स्टॉक, दवा की कमी नहीं है अभी। जो सेक्रेटरी है उन्होंने अमृत पत्ते जी, वो उन्होंने कहा भी है कि जो एम्फोट्रेक्सिन भी हम लोग के स्टॉक में कालाजार के लिए थी उसके लिए परमिशन ले लिया गया है सेंटर से कि उसको इसमें डाइवर्ट किया जाए, लेकिन जो इसोटोमल एम्फोट्रेक्सिन वो भी सफिशियंट क्वांटिटी में आईजीएमए आ गई है,
हर जगह ये संभव नहीं है, ये घर का घर में इसका इलाज नहीं संभव है, क्योंकि इसमें किडनी की भी टॉक्सिसिटी होती है और भी परेशानी होती है, तो वो मॉनिटर करते हुए आपको करना होता है। इसके अलावा आँख में अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो आँख में इंजेक्शन देने से भी उनका इलाज हो रहा है, जो कि हॉस्पिटल में ये संभव है जहाँ की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। जी सर, बोला लम्बा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ईश्वर नहीं करे कि किसी को जरूरत पड़े। एक तो पहली लाइन मेरी ये थी कि फंगल इन्फेक्शन से, ब्लैक फंगल से या म्यूकोरमाइकोसिस से डरना नहीं है, ये प्रिवेंटेबल डिजीज है जिससे आप बच सकते हैं 100% अगर आप सावधानी रखें तो बच सकते हैं। और अगर होता है तो IGIMS और AIIMS और UN में अभी पूरा इंतजाम है, डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है, इंतजाम चालू है। संजय जी अपनी माइक को म्यूट कीजिए। अभी अलग जुड़े हैं भाई, अपनी माइक को अभी म्यूट कीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है। नहीं बोल दे और क्वेश्चन हम पूछ नहीं रहे हैं। हाँ पूछिए ना, पूछिए, स्वागत है। हाँ पूछिए 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 सर से। ये बताइए कि ब्लैक फंगस का अभी तक सर आपके पास कितना मिला है रोगी? हम एक एक हो गया है जैसे जाते हैं। मत बोलिए, रूरल प्रैक्टिशनर बोलिए। डिस्टेंस, हाथ वॉश और मास्क, तब बहुत चांस नहीं रहता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन होगा। और मास्क को 10 दिन लगा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है सर, एक चीज और बता दिया जाए कि जैसे कहने का मतलब है कि आंखों में जलन, जो गर्मी का मौसम होता है ज्यादातर आंखों में जलन होता है और लोग हाथ से पानी मारते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, आंख में हाथ से पानी मारने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें अगर कुछ भी आपको आंख में दिक्कत हो रही है तो हाथ से भी नहीं छुइए और पानी भी मत मारिए, सूखे रुमाल से या टॉवल से पोछिए, बस यही सेफ है और बेस्ट है। जी जी ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। अरे बहुत सर काम हो रहा है, टाइप भी हो रहा है, खबर भी बन रहा है, तो अभी जुड़ गए। अश्मिता सर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट कोविड पेशेंट्स इन आईसीयू, कोविड पेशेंट इन आईसीयू आर अंडरगोइंग ऑक्सीजन ट्रीटमेंट आर मोर इज देयर एनी ट्रीटमेंट टू क्योर डिजीज एट द सेम टाइम? जी हो रहा है और ज्यादा चांस है कि उसको स्टेरॉइड चल रहा होगा, और स्टेरॉइड जैसे ही चलता है तो शुगर बढ़ जाता है, वो सब मेंटेन नहीं हो रहा होगा। और ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है उसको, तो ऑक्सीजन ट्यूब में भी अगर ज्यादा दिन सेम ट्यूब रह गई तो उसमें भी ये फंगस ग्रो करने का चांस रहता है। तो वहाँ ICU एक ऐसी जगह है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो पूरा माहौल मिल जाता है फंगस को ग्रो करने के लिए, इसीलिए बहुत ज्यादा सावधानी की वहाँ जरूरत, कंट्रोल करने की जरूरत है, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए शुगर में, और ये सब चीज पर ध्यान दिया जाए तो फंगस नहीं ग्रो करेगा। और बहुत कम, हमको लगता है कि लाख में एक पेशेंट को ग्रो कर रहा है फंगस, बहुत कॉमन नहीं है। इसमें जानकारी हम लोग को हो, हम लोग सावधानी नहीं है।
जैसे दो तीन बात मैंने बताई कि बेडशीट टॉवेल ये सब रुमाल ये सब हमेशा चेंज करते रहना है साफ, वैसे ही मास्क का डिस्पोजल मैंने बताया। और मास्क को भी आप लोग ऐसे ही बस डस्टबिन में नहीं फेंकना है, मास्क को एक्चुअली होना चाहिए कि कागज के ठोंगे में उसको या उसको कागज की थैली में को डिस्पोज कीजिए ताकि और लोगों को फैले नहीं उससे कुछ भी। इसके अलावे आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत नाक में तेल डाल दिए, सोच के दिए कि नाक में नींबू दिए तो उसमें तो आप फंगस पैदा होने की जगह बना दिए, वो वेट रहेगा मॉइस्चर होगी वहाँ, नींबू नहीं देर प्रोटेक्ट करेगा लेकिन बाकी समय तो मॉइस्चर वहाँ बढ़ गया तो वहाँ देखे होंगे बचाव होगा जब तेल चीज डुबा जाएगी तो वहां फंगस नहीं होगा, लेकिन अगर तेल लगा हुआ रहेगा तो फंगस जल्दी होगा। जैसे अचार का बोयाम में आप देखे होंगे कि जब तेल पूरा नहीं रहता है देखिए दो महीने में फंगस वहां ग्रो कर जाता है, वो तो खाने लायक नहीं रहता है, और अगर पूरा डूबा हुआ है तो उसमें फंगस नहीं ग्रो करेगा। तो कहने का मतलब अब सर को तेल में डुबा तो नहीं दीजिएगा ना, थोड़ा आप एक बूंद तेल डाल दिए उसमें और ज्यादा फंगस ग्रो करेगा। नींबू का रस और तेल नहीं डालना, ये ध्यान रखिए। शरीर के इन अंगों से छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करना, हम तो कहते हैं कि आंख को छूना नहीं है, जब छूना है रुमाल से या तौलिया से, वैसे नाक को भी हमेशा उंगली से छूना नहीं है, कुछ भी डालते नहीं रहना है उसमें, ये सब सावधानी रखनी है। इसके अलावा आपको हम बताते हैं जैसे कोविड पेशेंट है रिकवर किया, अब उसका डेंटल ब्रश जो टूथ ब्रश है उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। जैसे कंघी है आपकी, कंघी अगर आप देखें अगर एक महीने तक आप सफाई नहीं किए हैं तो उसमें देखिए क्या कि ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट हो जाता है, वो क्या है फंगस है, उसकी सफाई होनी चाहिए साबुन से। द्विवेदी जी वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू, सुन रहे हैं बड़ा बड़ा गौर से सुन रहे हैं सर, कुछ मेरा भी सवाल है। हाँ बिल्कुल, आप पूछिए ना, वेलकम। पूछे सवाल ये है सर कि आपने कहा कि एक्सरसाइज होना चाहिए लेकिन पसीना नहीं निकलना चाहिए, होता है कहीं खेत में काम नहीं, करता नहीं, है नहीं नहीं नहीं, फिर एक बार दोहरा, पसीना नहीं निकलना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन दिमाग में ये मत रखिए कि जब तक पसीना नहीं निकलेगा मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना। ओ अच्छा, ये ऐसा नहीं, निकले निकलने दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम थके नहीं, हमारा पसीना नहीं निकला इसका मतलब एक्सरसाइज नहीं हुआ, ये दिमाग में नहीं रखना। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू सर, थैंक यू। और एक सावधानी रखना है, बच्चों को कभी भी किस करके प्यार नहीं करना है, अभी के समय में खास करके 2022 तक बच्चों को भी दूर से ही प्यार कीजिए आप, इस सब से भी कंटामिनेशन। हम लोग सब बड़े लोग तो इंजेक्शन लिखो वैक्सीन ले जी, ठीक है, अब हम लोग कहीं से भी बाहर से आते कुछ भी आते बच्चों को कितना भी अलग रखो वो आपके पास में आ जाए, क्या करें प्रिकॉशन? नहीं ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अरे तुम हटो यहाँ से, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि किस करके प्यार नहीं करना है, ये सावधानी रखना चाहिए। मैं तो ये पूछ रही थी कि और क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए बच्चों के लिए? हाँ बस अपना हाथ धोते रहना है, अपने मास्क लगा के रखना है, अभी बच्चे लोग मदर फादर को या दादा दादी को मास्क लगा हुआ देख के गुस्सा कर रहे हैं बच्चे लोग कि नहीं इसको हटाओ इसको हटाओ, लेकिन धीरे धीरे थक गए हैं ना, धीरे धीरे फ्रेंडली हो जाएंगे, और हाथ अगर वॉश करते रहे हम तो समझिए 50% प्रोटेक्शन तो उसी से हो जा रहा है, अगर हम बचेंगे तो बच्चे को भी बचा लेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ राजीव 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 का एक सवाल है, राजीव राजीव सुन पा रहे हो? यस मैम। हाँ क्या सवाल है आपका? यस मैम बताइए सर से, डॉक्टर साहब से बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर COVID-19 का री इन्फेक्शन का चांस है या नहीं? हाँ री इन्फेक्शन का चांस बिल्कुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसी कुछ ही बीमारी है जैसे कि स्मॉल पॉक्स, ये आजकल तो हो ही नहीं रहा है आप लोग तो देखे भी नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स में 100% इम्यूनिटी थी
कि अगर एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन और सब बीमारी में ऐसा नहीं है और इसमें तो खास करके बिल्कुल ही नहीं है। लोग काफी लोग दोबारा अफेक्टेड हुए हैं और हो रहे हैं और हो गए, इसलिए सावधानी। एक बार हो गया तब भी, वैक्सीन पड़ गया तब भी 100% उसमें प्रोटेक्शन नहीं है, इसमें भी 60-80-90% तक प्रोटेक्शन है। वैक्सीन देने के बाद भी आपको सावधान रहना है, सावधानियां वही है। थैंक यू सर। हेलो हेलो जी मैम, और कोई है एनीवन क्वेश्चन प्लीज? डॉक्टर राजेश सिंह सर कुछ हम लोग सुनना चाहेंगे उनसे। हाँ मेरा भी यही सवाल था सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो डॉक्टर राजेश सर। हेलो राजेश सर, आप सर अनम्यूट कीजिए सर, आपकी माइक ऑफ है सर। डॉक्टर दीपक को भी रिक्वेस्ट किया जाए। हम लोग दोनों जन को बारी बारी से सुनना चाहेंगे। अभी डॉक्टर राजेश सर, राजेश कुमार सिंह जी सर, बोला जाए। अनम्यूट कीजिए। मैम एक सवाल है। हेलो सर, आपकी माइक जो है वो म्यूट पे है सर, उसको अनम्यूट कीजिए सर, ऑन कीजिए अपनी माइक को। रीता मैडम, रीता मैडम वाले आवाज कोई सुनना चाहिए? हाँ जी 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 सर, वेलकम। अब मिल रही है आवाज। सबका नाम ले रही तो नाम लेके बुलाइए, या फिर अपने से प्रश्न पूछना है? नहीं मैम बुला रही है। अभी अभी राजेश सर का है क्या? अभी कौन बोले? अच्छा रीता जी, अनिल राज जी। अच्छा अनिल जी, हाँ अनिल जी, हम लोग राजेश सर को सुन ले क्या? सुन लिया जाए। हाँ उसके बाद आप ठीक है राजेश सर। रीता सिंह जी तब तक अनम्यूट, तब तक म्यूट भी है, और बहुत मैं इनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ, इनकी राय से सहमत हूँ, इनकी सलाह पे अमल करना उचित है और करना चाहिए। और इसके संबंध में एक्चुअली जो फंगस है, फंगस तो शरीर का प्रतिरोध करने की क्षमता जब कमजोर हो जाती है तब ये फंगस जो है ताकतवर हो जाता है। जैसे शेर के शिकार करने के बाद वो जो छोड़ के चला जाता है तो लोमड़ी वगैरह आकर के उसको खाने लगती है, कि फंगस की पोजीशन यही है। फंगस तो हमेशा से था और हमेशा हम लोगों के जीवन में लगभग शामिल है। आप लोग ये मशरूम का सब्जी खाते हैं ना? मशरूम भी एक प्रकार का फंगस ही है, ये हम लोगों के जीवन में लगातार कान में से हम लोग निकालते हैं हमेशा, ऑटोमाइकोसिस किट के आते हैं कैंडिडा नाइगर इस तरीके की चीजें, काला वाला फंगस, उजरा वाला फंगस, ये पहले से था। बहुत संक्रमण हम लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इतना कम कर देता है कि उसके बाद ये जो परजीवी है ये आक्रमण कर बैठते हैं शरीर। आपको ने सुना होगा कि HIV AIDS के पेशेंट्स पर भी फंगस का संक्रमण हो जाता है, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को भी बाद में फंगस का संक्रमण हो जाता है। वो कब? तो फंगस का संक्रमण उस समय होता है जब शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। तो ये फंगस
कोई नई चीज नहीं है और इससे बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड के खासतौर से उन लोगों के केस में जो डायबिटिक रहे हों और जिनका डायबिटीज नियंत्रित नहीं रहा, अनकंट्रोल डायबिटीज वाले तो ये संभावना ज्यादा है। दूसरा जो ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को, उनका जो ऑक्सीजन जो पानी में से निकलता है बुलबुले की तरह, उसमें अक्सर पानी में अगर साधारण जल का इस्तेमाल हुआ तो फंगस ग्रो करने के चांसेस हो। दिन अगर बदला नहीं गया और अगर स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल नहीं हुआ तब भी ऐसी संभावना है कि वो ऑक्सीजन के साथ वो फंगस या उस पानी में ग्रो करते हैं और वो ऐसी पोजिशन हो सकती है। तीसरा यह होता है कि जैसे किसी मरीज ने उसी वेंटिलेटर के पाइप से लिया और उसी को दूसरा मरीज को दे दिया गया, वैसी स्थिति में भी संक्रमण का खतरा रहता है। तो इन सब चीजों को और फंगस का इलाज बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मुश्किल है। एक से डेढ़ महीने तक उसकी दवा चलती है, इंटरवीनस इंजेक्शन देते हैं उसको और उसके लिए कंट्रोल हो जाता है। और ब्लैक फंगस को सभी तरीके से भी हम लोग करके उसको निकाल के साफ कर देते हैं और उसके बाद इन दवाओं को एंटी फंगल कंट्रोल करते हैं। लेकिन सारी चीजों की पहली शर्त डायबिटीज कंट्रोल में शुरुआत में अगर स्टेरॉइड का होगा तो उससे भी दिक्कत होती है। तो स्टेरॉइड जीवन रक्षक है बिल्कुल कायदे के अनुसार और आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए। और जब पेशेंट डायबिटिक है और उसका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं है तो इसका तो बहुत ही मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपको इसलिए यह है कि उसको बिल्कुल इंसुलिन पर रख करके मैं धन्यवाद देता हूँ इतनी अच्छी जानकारी और इतनी सही सटीक सूचनाएं आपने दी, ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अनिल जी, अनिल कुमार जी, अनिल जी, अनिल कुमार जी, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ बोला जाए सर, क्वेश्चन किया जाए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद अर्चना जी। सर्वप्रथम मैं बोलने से पहले हेमंत कुमार जैन जो हमारे संस्थापक सदस्य राज्य उपाध्यक्ष एवं अन्य यूथ हॉस्टलर जो अब हमारे बीच नहीं है, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और इसके साथ मैं अर्चना मैडम और डॉक्टर रुंगटा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ज्वलंत समस्याओं पर वेबिनार का आयोजन किया। मेरा प्रश्न करीब 8-9 थे जिसमें झुका है, लेकिन मैं डॉक्टर गुप्ता से जानना चाहता हूं सर से कि क्या संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद रिकवर होने में कितना समय लगता है। सर हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी?
हाँ, तो मेरा प्रश्न था कि संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के बाद पूर्ण रिकवर होने कितना समय लगता है सर? पहला एक ये था। सर सुन पा रहे हैं? हाँ, और दूसरा एक था कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी को हुआ है उसके बाद उसके लक्षण क्या क्या हैं जिससे वो सुरक्षित रह पाए। तीसरा है ऑक्सीजन लेवल का बॉर्डर लाइन क्या है, 90 या 90 से नीचे, अगर उसका 92, 93, 94 हो तो क्या वो सही है? हेलो, घर में मास्क क्या हम लगा कर रहे हैं? हेलो, घर में हम क्या मास्क लगा कर रहे हैं क्योंकि घर में सभी लोग स्वस्थ हैं। सर सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? सुन पा रहे हैं क्या? वो है, हाँ है डॉक्टर साहब, का म्यूट है रुंगटा सर, आउट हो गए क्या? मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, आउट नहीं, सुन रहे हैं। चलिए, आपके सारे प्रश्न मैंने सुन लिए। हाँ, जी जी। तो और एक जो अभी आपने कहा बच्चों का किस करने का, मैं प्रश्न थोड़ा सा अजीब टाइप का है। मेरा प्रश्न है कि क्या संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक संबंध पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है क्या? अगर 3 महीने तक वो पृथक रहा, पृथकवास में रहा, तक वह स्ववास में आ सकता है, ये एक प्रश्न है। सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ ऐसे करके। तो एक लास्ट में है बहुत सा कि क्या अत्यधिक भाप लेने से ब्लैक फंगस होता है या उसका खतरा बना रहता है? क्योंकि अभी रेट है कि बिहार में 513 मरीज पाए गए हैं जिसमें 55 की मृत्यु हो चुकी है। आपने कहा था कि ब्लैक फंगस उतना ये नहीं है, डर तो बना है, पूरे 9000 के पार पूरे भारत में इसके मरीज आ चुके हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपने, छोटी छोटी जानकारी दिया है, बहुत मार्केबल है, जो हम लोग बराबर गलतियां करते हैं, बद्धी बांधने वाली मोबाइल कवर का, ये सब छोटा छोटा चीज जो है हम लोग गलतियां कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा और मेरे कुछ प्रश्न है उसको कृपया जवाब देने का कष्ट, ताकि हम प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, अगर प्रश्न छूट जाए तो फिर से आप दोहरा दीजिएगा। जैसे कोविड से रिकवरी का जहाँ तक सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का कहना है कि 14 दिन के बाद या और आपको डर लग रहा है तो 21 दिन के बाद आप स्वतः मान लीजिए कि आप रिकवर कर गए। ये टेक्निकल पार्ट है कि रिकवर कर गए, आपको कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा आप टेस्ट कराएं नेगेटिव होने के लिए। अब है कि अगर आप कराते हैं टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो वहाँ वो इसका मतलब है कि आप उसमें टेक्निकली रिकवर कर गए, लेकिन फिजिकली क्या होता है कि उसके बाद भी वीकनेस बनी रहती है, ब्रीदिंग शॉर्ट ब्रेथ हो जाता है और मानसिक रूप से आदमी परेशान रहता है। उसको हमेशा यही लगता है कि मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लेता है। इससे आपको रिकवर करना होगा और इसीलिए अब ये एडवाइजरी है कि कोविड होने के बाद 3 महीने तक आपको रिलेटिव रेस्ट में रहना है। रिलेटिव रेस्ट का मतलब होता है कि एकदम बेड पर नहीं, लेकिन बहुत ओवर एग्जर्शन मत कीजिए, बहुत स्ट्रेन मत लीजिए। एक्सरसाइज भी करना है तो जेंटल कीजिए, वॉकिंग करनी है तो वो भी रुक रुक के करना है। इस तरह से आपकी दिनचर्या 3 महीने तक रहनी चाहिए। इस बीच में आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पहले से सोच के रहना है कि अब हम ठीक हो गए और ठीक हो जाएंगे, थोड़ी कमजोरी है ये चली जाएगी। प्रोटीन डाइट थोड़ा लेना चाहिए क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में प्रोटीन डाइट, प्रोटीन आपका लूज कर जाता है, तो इसीलिए ये लेना चाहिए। और किसी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, एडिक्शन का कोरोना एकदम दुश्मन है। फर्स्ट है ओबेसिटी का, ओवरवेट नहीं होना है, उसके बाद है किसी तरह का एडिक्शन, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, चाहे टोबैको का एडिक्शन हो। कोरोना को कोई एडिक्शन पसंद नहीं है, आप सारा सादी जिंदगी जिए, कोरोना जल्दी अटैक नहीं करेगा, और अटैक करेगा भी तो हल्के में आपको छोड़ देगा। दूसरा है तो 3 महीना मान के चलिए कि 3 महीना में रिकवरी हो जाएगी। 21 दिन से 3 महीना के बीच में आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब क्या, वेजिटेरियन है तो दूध दही सत्तू दाल यही लीजिएगा। एग वाइट लेना है 40 के बाद, और 40 से कम है तो आप पूरा एग ले सकते हैं, यही है मछली ले सकते हैं। दूसरा है कि
वैक्सीनेटेड अर्लीस्ट हो जाना है। मैंने अभी इसका जवाब भी दिया है कि अगर आपको फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो गया तो कोरोना से रिकवर करने के बाद एक महीने के बाद आप वैक्सीनेटेड हो जाइए सेकंड डोज। मैं दोनों ले चुका हाँ, नहीं जो लोग नहीं लिए और अगर एक भी वैक्सीन नहीं लिए हैं तो कोरोना से रिकवर होने के बाद आप एक महीने के बाद फर्स्ट वैक्सीन सेकंड वैक्सीन ले लीजिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन लेवल का कट ऑफ, वो ऑक्सीजन लेवल का कट ऑफ 95 से ऊपर आपका टारगेट रहना चाहिए कि 95 से ऊपर, लेकिन 93 to 95 है, अगर 93 to 95 अगर है तो उसको आप डीप ब्रीदिंग करके इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे वो प्रोन ब्रीदिंग कीजिए माने पट लेट के या सीधा लेट के या बैठ के, जैसे भी हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है। पोस्ट कोविड 98-95 के करीब मेरा तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप दूसरे को भी दे सकते हैं ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे उसको कोरोना हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करना है, क्योंकि ये इसका सबसे दुखदायी पक्ष है कि वो लंग, तो जब लंग को प्रभावित करता है तो उसको मजबूत रखना है हम लोग को। लेकिन वो डीप ब्रीदिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफनी की तरह नहीं, ऐसे करके नहीं, पूरा लंबा सांस अस्थिर से लीजिए और अस्थिर से छोड़िए, छोड़ने में ज्यादा समय लगना चाहिए। तो ये हो गया ऑक्सीजन कट ऑफ का। घर में मास्क लगाने का ऐसा है कि अगर घर में बहुत से लोग हैं तो बढ़िया है, मास्क लगा के आप रहिए तो वो आइडियल कंडीशन है, लेकिन अगर 3-4 आदमी है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर कोई बीमार, अगर एक आदमी बीमार है तब तो मास्क लगा के सब लोग रहिए, अगर सब आदमी रिकवर्ड है या नहीं हुआ है तो मास्क लगा के घर में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का भी आना जाना आपके घर में है तो उसको बिना मास्क के आप प्रवेश मत दीजिए, और डेली आने जाने वाला ही आपके लिए खतरा है, ये सब ध्यान रखना है। जैसे मेड आ रही है या कोई आपका रोज आ जा रहा है तो वो सबसे ज्यादा खतरा आपके लिए है, उसको बिना मास्क के अलाउ मत। चौथा है भाप का, तो भाप का देखिए अत्यधिक किसी भी चीज की खराब, अभी एक स्टडी आ रही है कि बहुत ज्यादा भाप लेने से नेजल मिकोसा, नाक के अंदर जो परत है बहुत जेंटिल है, वो जरा सा आप खरोच दीजिएगा ना तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, मैंने इस तरह का है। तो उसको अगर इतना ज्यादा सेक दीजिएगा, उसको नाक को छोड़िए, आप हाथ पर ही बॉटल से गर्म पानी से सेक रहे हैं, अब 100 degree टेम्परेचर पर आप सेक दीजिएगा तो बर्न हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही टेम्परेचर तो कंट्रोल हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ले सुबह शाम, बस यही काफी है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है भाप, बहुत ज्यादा अत्यधिक क्यों लेंगे। उसके बाद एक था पोस्ट कोविड पीरियड के लक्षण, नहीं उसके कोई लक्षण नहीं, जैसे ही पोस्ट कोविड पीरियड हो गया तो हम तो ये मान रहे हैं कि वो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा पाया जा रहा है कि उसमें थोड़ी वीकनेस फील होती है, थोड़ा सांस थोड़ा पेन, बॉडी पेन ओवरऑल, हाँ बॉडी पेन वगैरह हो सकता है, थोड़ा मन करता है कि सोए रहे, तो नहीं इसको तो जेंटली सब चीज थोड़ा थोड़ा करना शुरू, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देना है। नींद पूरी नहीं हो रही है सर, नींद पूरी नहीं हो रही तो आप पॉजिटिव नहीं है, आपको ये सोचना है कि हम ठीक हो गए हैं, का कोई सीरियल आ रहा है तो वो सब देखिए, अपने आप को इंगेज कीजिए मेंटली और मन में सोचिए कि हम ठीक हो गए, बच्चों के साथ खेलिए तो नींद आएगी। और नींद का मतलब ये नहीं होता है कि रात में नींद नहीं आ रही, आप दिन में मान लीजिए 4 घंटा सो गए तो फिर रात में पूरी नींद कैसे आएगी, तो सब मिला के 6 to 7 hours स्लीप जो है वो रिक्वायर्ड है। और बाकी तो लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा साथ रहने की बात, तो जब रिकवरी हो गई तो उसके बाद ऐसा कोई मना नहीं है। जहां तक निगेटिव आने का सवाल है तो 21 दिन के बाद भी देखा गया है कि दूसरा है उसमें है कि डेड वायरस आपके शरीर में अगर है, वायरस खत्म हो गया उसके बाद आपको वायरस शरीर में नहीं है, लेकिन अगर डेड वायरस भी होगा तो वो टेस्ट में पॉजिटिव दिखाएगा। सर 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 थोड़ा सा रोकेंगे आपको, थोड़ा सा चेहरा मुंह थोड़ा सा नीचे हल्का सा अब ठीक आएगा, अब बोलिए अब ठीक आएगा, सुंदर आएगा, आवाज कट ना ना नीचे रही एकदम नीचे नहीं, थोड़ा सा उठवा से थोड़ा सा नीचे सर, ओके बोलिए बोलिए। तो क्या बोलिए,
अच्छा हो ये करके। हाँ ठीक है, कंटिन्यूटी मतलब उसमें कोई मना ही नहीं, उसको किया जा सकता है मतलब। हाँ, 14-21 दिन के बाद बोल रहे थे कि नेगेटिव पॉजिटिव भी आ जाता है तो वो डेड वायरस के कारण आता है, है ना, डेड वायरस के कारण आता है टेस्ट में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वेव में आपको तीन बार करना, कि तीन बार नेगेटिव आया है तब आपको ऑफिस जाने मिलेगा, ऐसा ही एडवाइजरी था। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, ये डेड वायरस के कारण आ रहा है। 14 दिन के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट कराए। आजकल ये मना हो गया कि 14 दिन हो गया कोई टेस्ट मत करवाइए, मतलब है कि किट को बर्बाद मत कीजिए टेस्ट का, है ना। और वो ठीक, और कोई प्रश्न बचा आपका? नहीं सर, बहुत बहुत प्रश्न का पहले जवाब आ चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक अजय जी है पूर्णिया के, वो शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूर्णिया से अजय जी है, अजय जी पूर्णिया से ज्वाइन किए हुए हैं। अजय जी शायद अभी नहीं है, किसी दूसरे को बुलाएं सर। एक हाँ बुलाया जाए, इस बीच में एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे बेटाडीन गार्गल बहुत पॉपुलर हुआ है अभी जी, तो बेटाडीन से अगर आप गार्गल करते हैं बहुत अच्छी दवा है, बेटाडीन से गार्गल कीजिए, लेकिन उससे दांत में स्ट्रेनिंग हो जा रहा है, तो इसीलिए आप दांत में मत लगे उसको। बेटाडीन गार्गल आधा चम्मच, उसमें आधा चम्मच पानी मिला दीजिए, क्योंकि महंगी दवा है, 200 रुपए की एक नवा है ना, दवा आधा चम्मच पानी मिला जुड़ता गले में लीजिए, गले में ही गार्गल करके फिर गले से ही बाहर फेंक दीजिए, दांत में मत उसको कीजिए, मतलब रिंस नहीं करना है, पानी के कुल्ला की तरह दांत में लगेगा तो दांत बहुत जल्दी आपका 15 दिन सावधानी के तौर पर आपको हम बताना चाहते हैं अनुभव से। उसके बाद नहीं देखा गया है, जबकि ये 27 लाख पॉपुलेशन का एरिया है, 27 लाख में अभी तक अगर मान लीजिए 5 केस भी देखा गया तो कितना परसेंट आया, इसलिए बहुत लो परसेंट है और ये बचा जा सकता है। इसमें यही है कि आप फंगस से बच सकते हैं अगर कुछ सावधानियां जी। हेलो मैडम। हाँ जी सर, एक हाँ रीता सिंह जी भेजना पहले जी, अपना क्वेश्चन पूछिए डॉक्टर साहब से जुड़ने वास्ते। हेलो रीता जी है क्या? रीता सिंह जी अभी लग रहा नहीं है। रमेश कुमार सिंह जी हेलो रमेश जी, थैंक यू, थैंक यू बुलाने के लिए मुझे। ये मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ। पहले अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए अपनी माइक को। रमेश जी आपका आपका जो है आवाज नहीं साफ आ रही है, रमेश जी ध्यान दीजिए। देखिए रमेश जी मुझे जैसा समझ में आ रहा है आपका प्रश्न, रुझान नहीं है इसमें, आप और हम सभी दोषी हैं। अगर हम टीका ले चुके हैं, अगर हम नहीं लिए हैं तो अर्लीस्ट हमको टीका लेना है, ये आपकी आपका कर्तव्य बनता है, और अपने परिवार को दिलवाना है और अपने आसपास जितने लोग हैं उनको अर्लीस्ट वैक्सीनेशन दिलवाना है। जब तक आप अपना वैक्सीनेशन पूरा देश में कंप्लीट नहीं कीजिएगा आप अपने आप को सेफ नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको पड़ गया है तो बाकी लोगों को वैक्सीन दिलवाना है उनको करने। देखिए कोई भी अच्छा काम आप कीजिएगा तो कुछ लोग मिथ फैलाएंगे, कुछ लोग भ्रम फैलाएंगे, उनका काम ही है भ्रम फैलाना, तो उनको आप नजरअंदाज कीजिए। आप अपना पॉजिटिव वर्क करते चलिए कि वैक्सीनेशन करवाना है, अपना भी करवाना है, अपने परिवार का भी करवाना है, अपने आस पास का करवाना है, अपने सभी परिचितों का करवाना है। और आज भी सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप अर्लीस्ट वैक्सीनेटेड हो जाइए, इसलिए उसके तो ले चुका हूं सर।
मैंने बोला आप इनको दूसरा कॉल ले लिया है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि अपने परिचितों में से 100 आदमी को आप वैक्सीनेटेड वैक्सीनेशन सेंटर पे भेज के ये काम करवाइए। जी जी, और सर हम जैसे दो या फिर टोल ले चुका है, इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में उसको वैक्सीनेटेड होना है क्या सर? नहीं, अभी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, अभी दो ही डोज का डायरेक्शन है, लेकिन अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड, हालांकि हमको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए, ये आप मान के चलिए कि जब वैक्सीनेशन आपके देश का कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि ये बूस्टर डोज की बात उठे, लेकिन अभी ये बोलना प्री मैच्योर बात होगी क्योंकि उसके लिए हम भी अथराइज नहीं है इस तरह की बात बोलने की। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हेलो समय दिए, आप लोग अपनी शंका का समाधान करें, यही हम कार्यक्रम। अक्षर आलम जी कुछ पूछ रहे हैं। जी सर, सर मैं ये वैक्सीनेशन के बारे में ही पूछना चाहता हूँ सर। शुरू शुरू में सर जब हमारे वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, समय सर दूसरे डोज और पहले डोज में टाइमिंग बहुत कम था, लेकिन अभी के डेट में सर कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों पे टाइमिंग में फर्क क्यों पड़ रहा है सर? और ये क्या इतना ये 18 दिन और 14 दिन का जो ये जो सर फर्क पड़ रहा है, तो क्या फर्स्ट डोज सेकेंड डोज के बीच में जो 14 दिन का जो सर फर्क है, ये क्या सही कारगर होगा या नहीं? जी जी, ये हमारी जानकारी में सर अभी तक तुम्हें यहाँ से सर ये बिल्कुल कारगर होगा। ऐसा है कि ये बीमारी नहीं है, ये कीटाणु नया है और रेगुलर रिसर्च चल रहा है। हम लोग तो वैक्सीनेटेड हो के बता रहे हैं, आराम से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, लेकिन इसका एक ग्रुप तो लोगों का ऐसा है जो कि कंटिन्यूअस रिसर्च कर रहा है। वो ऐसा देखा गया है कि जब 24 वीक्स में, देखिए एक बार ये भी बात सुने होंगे कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया है उनको केवल एक ही डोज पड़ जाए तब भी काम चल जाएगा, ये भी आया। तो इससे होता क्या, इन्फेक्शन हो रहा है या वैक्सीन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंटीबॉडी बन रहा है, मतलब आपके शरीर में लड़ने वाले सिपाही पनप रहे, तैयार हो रहे हैं। तो अगर उसकी क्वांटिटी सफिशियंट हो रही है तो हम लोग उसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन या कोरोना इन्फेक्शन की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं है, 3 से 6 महीना है। तो इस 3 से 6 महीना को हम लोग बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, इसीलिए ये ड्यूरेशन बढ़ाया जा रहा है। शुरू में लग रहा था कि 28 दिन के बाद एंटीबॉडी कम हो जा रही है, लेकिन अभी काफ़ी स्टडी करने के बाद, मतलब काफ़ी लोगों में स्टडी करने के बाद ऐसा देखा गया कि नहीं, इसकी इम्यूनिटी 3 महीने तक रह जा रही है। तो हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हम लोग सेकेंड डोज जो है लगभग 3 महीने पर दें, ताकि 3 महीना ये और 3 महीना वो, 6 महीना हमारा काम चल जाएगा और 6 महीने में पूरा देश को वैक्सीनेशन हो जाएगा तो कोरोना को हटाने में मदद मिलेगी। सर दूसरा कारण एक और भी है, इसी बीच सर मैं थोड़ा सा सर कहना चाहता हूँ, ये कोवैक्सीन जो है ये ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर वालों को दिया जा रहा है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में, और इसका सेकेंड डोज 18 दिन के बाद ही हो जा रहा है, तो क्या ये एंटीबॉडीज ज्यादा नहीं बना पा रहा है क्या? 18 दिन के बाद नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों के ड्यूरेशन में अंतर है। दोनों के स्टडी में जो ड्यूरेशन इफेक्टिव पाया गया उस हिसाब से इसका एडवाइजरी दिया गया, लेकिन कोविशील्ड ऐसा नहीं है कि रेलवे में ही पड़ रहा है या ऐसे ही नहीं, वो लोग सेंटर डिसाइड कर रहे हैं जहाँ इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड में कोवैक्सीन ज्यादा जा रही है और नॉन इंस्टीट्यूशनल बेस में पेरिफेरी में कोविशील्ड ज्यादा जा रही है। देखिए ये भी एडवाइजरी बीच बीच में चेंज कर जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे स्टडी का रिजल्ट आ रहा है तो उसको फिर भारत सरकार अपने सोच समझ के उसका एडवाइजरी जारी कर रही है।